रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर हुआ हंगामा। एक सुपरवाइजर के ये कहने के बाद चप्पल तुमको मुंह से उठानी पड़ेगी, महिला गार्ड आक्रोशित हो गई। संजय गांधी अस्पताल के बाहर आकर जताया विरोध, वीडियो भी बनाया, देखिए हमारी ये इस रिपोर्ट में। संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा कर्मी आपस में ही भिड़े, सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के बीच जमकर हुई कहा सुनी। सुपरवाइजर के यह कहने के बाद चप्पल तुमको मुंह से उठानी पड़ेगी विवाद काफी बढ़ा, जिसके चलते अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए सुरक्षा कर्मी। उनका कहना था, मैडम की रोज की बात है, रोज ही वह इस तरीके से हम लोग को परेशान करती हैं, हम लोग वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते, अब मुंह से चप्पल उठाने के लिए कह रही हैं, आप ही बताइए यह क्या सही है। मुंह से चप्पल उठाने वाले वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। देखिए इस मामले में सुरक्षा कर्मियों ने क्या कुछ कहा। चप्पल हम अपने हाथ से, अरे तुम हटाओगी अभी, तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल, ठीक है मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उठाओगी चप्पल, तुम हमारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी, ठीक है ना, ठीक है हम चप्पल उठाएंगे जी मैडम, आप सुपरवाइजर मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है, आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना, मैडम आपने अपनी ड्यूटी नहीं पता था तो जान जाइए, हटाना है। कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है, तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं, तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो, तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा, तो बोले जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो, तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल में के लिए गरीब आते हैं उनको कौन देगा पैसा, कहती तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो, तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे, तो कहती हाथ तो हाथ तुम मुंह से चप्पल उठाओगी, और अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल, हम नहीं रखे हैं, तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से, सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी, और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और दो कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है, सारे लोग और सब लोग परेशान हैं, यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं, और ठीक है इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को रानी पासी को जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको, फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़ें, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, ना दीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना सीएसओ सुने, ना एसओ, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है, सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट का चली गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली है, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिले, नहीं मिली जाएगी, और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया, और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है, हमें ये चीज़ रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम 2% की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं मजबूरी पर यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं, एक लेडीज़ होगी, लेडीज़ के बारे में गलत बोले शोभा नहीं दे रहा उन्हें सर। मैं यहाँ पर गार्ड सुपरवाइजर हूँ, दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में 2 दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया, ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर आईसीयू में, गायनी आईसीयू बोला जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि अब इनका उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम सीएसओ साहब के साथ में थे, जो हमारे सीएसओ साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे, साहब बोले कि राम बोहर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा एंटीनेटर आईसीयू में, तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए, तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने सीएसओ साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तुम उसे भी चप्पल उठवाएंगे।